our next topic is teachers professionalism teachers professionalism is required for a quality early childhood education so we as a whole world try to make some standards so that early childhood and care education should be given to some as per some fit standards और ये स्टैंडर्ड्स डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स के थ्रू आए हैं जैसे अभी हमने बात की कि नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड किसी बच्चे को हमने छोड़ना नहीं है ग्लोबल एजुकेशनल रिफ़ॉर्म्स हैं जर्म जिनको हम कहते हैं ग्लोबल एजुकेशनल रिफ़ॉर्म मूवमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे क्वालिटी को एश्योर करेंगे तमाम स्टूडेंट्स के लिए और फिर ये कि आप एक ख़ास तरह का इन्वामेंट जो है वो फॉलो करेंगे फिर लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी है उसके अंदर तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो टीचर्स के लिए ख़ास तौर पर जो एजुकेटर्स हैं ई सी के उनके लिए पूरी दुनिया में हर एक ने परफॉर्म किए हैं और पाकिस्तान में भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के टेन स्टैंडर्ड जो हैं वो मौजूद हैं दैन इज़ चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स अब ये जो ई सी है जो पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ भी इस वक्त जो स्कूल्स हैं जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें ई सी ई हैं सी ई रूम्स हैं तो ये वो प्रोग्राम है जैसे उन्नीस सौ सत्तर में कच्ची का प्रोग्राम शुरू हुआ था ताकि हम जो प्री गिनडर काटन बच्चे हैं उनकी तरबियत कर सकें तो वो हमारे चिल्ड्रन प्रोग्राम मुख्तफ तरह के शुरू किए जाते हैं फिर टीचर प्रिपरेशन अगर हमारी जो प्री सर्विस टीचिंग है उसमें जैसे हम समझते हैं कि हम एलिमेंट्री बी एड भी करवा रहे हैं जिसमें आ, खास तौर पे बच्चों को जो जो छोटे बच्चे हैं क्लासेस के उनको कैसे पढ़ाना है उनकी पैडागॉजिज जो है वो हम अपने प्री सर्विस टीचर्स को पढ़ाते हैं तो टीचर को तैयार कैसे करना है ये बहुत बड़ी एक ना ज़रूरत है इसी के लिए अ रीज़न टू टीच क्यों छोटे बच्चों को क्यों पढ़ाया जाएगा और क्यों हम उनको किन्डर गार्डन से पहले शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा जवाब इसका ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अब तहरीक ये है कि बच्चे को जैसे ही वो सीखना शुरू करता है उसको कोई ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बेहतर आए मसलन अगर एक बच्चा एक वक्त में किसी एक चीज़ से इंटरेक्ट करेगा फर्ज करें वो एक फल से इंटरेक्ट करता है तो वो उस एक का नाम जान पाएगा लेकिन अगर वो मुख्तलि फलों से इंटरेक्ट करेगा तो उसको सब चीज़ों का पता होगा तो ऐसी सूरत में हम ये देखना चाहते हैं कि छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह से हम उनकी लर्निंग को एक्सेलरेट कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं और कैसे उनको हम मजीद उनकी जो मंजिलें हैं वो बेहतर कर सकते हैं तो ये एक तो ये हो गया फिर एडवोकेसी बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनके लिए तालीम ही नहीं तो अगर हम लोगों में एडवोकेसी नहीं करेंगे प्रोपागेशन नहीं करेंगे कि भाई छोटे बच्चे को भी तालीम की जरूरत है इसको भी स्कूल में लाया जाए और इसके भी हकूक हैं और इसको भी इससे फायदा पहुँच सकता है तो उस वक्त तक हम बेहतर तालीम बच्चों को नहीं दे पाते अच्छा अब एक जो हमारा टीचर है ई सी का उसके अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए तो हमारा जो हाइसन 2000 ने और नाइक जो हैं इन्होंने ये एक हमारी मूवमेंट थी बच्चों के लिए उन्होंने टीचर प्रोफेशनलिज्म के हमें पांच बड़े असूल दिए हैं जिसमें सबसे पहले जैसे ये फाइव बिग आइडियाज ऑफ इफेक्टिव प्रैक्टिस इनको कहा जाता है और अगर आप देखें ये स्टार की शक्ल बन रही है इट्स द मैर स्टार तो वो क्या कहते हैं हमें क्या करना है वी हैव टू क्रिएट केयरिंग कम्युनिटीज ऑफ लर्नर्स लर्निंग ड इंडिविजुअली इट्स इट्सो इट्स ऑलवेज अ अकमिलेटिव एक्सपीरियंस मिल के सीखना तो ऐसी कम्युनिटी ऐसा मुआरा हो घर से लेके बाहर तक स्कूल तक जहाँ लोग मिल के सीखें और बच्चों को इकट्ठा सिखाया जाए फिर टीच टू एनहांस डेवेलपमेंट एंड लर्निंग बच्चों को उनकी हर तरह की डिवेलपमेंट होलिस्टिकली सोशल इमोशनल कॉग्नेटिव सब तरह की जो उनकी लर्निंग है उसको एनहेंस किया जाएगा फिर कंस्ट्रक्ट अप्रोप्रिएट करिकुलम तो जो हमारी करिकुलम डेवेलपिंग बॉडीज हैं उनको एज पर नीड्स बच्चों के लिए करिकुलम डेवेलप करना है और टीचर को उसको एक्सपीडाइट करना है इम्प्लीमेंट करना है सो एसेस चिल्ड्रर्निंग मेंट बच्चों को असेस भी तो किसी एक तरह से नहीं ना किया जाता जिस तरह की उनकी सलाहियतें होती हैं जैसी स्किल्स वो सीखते हैं उसी तरह से हम उनको असेस करते हैं एंड फाइनली बिल्ड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विथ फैमिलीज बच्चे अकेले नहीं होते टीचर्स को उनके खानदान के साथ भी और कम्यूनिटी के साथ ताल्लुक़ रख के उनकी जरूरियात के मुताबिक बच्चों की नशोनमा करनी होती है